यशोमति मैया के नंदलाला यशोमति मैया के नंदलाला यशोमति मैया के नंदलाला इतना प्यार करता है तू अपनी मैया से भोर हो गई मैया अभी भोर कहाँ हुई है लल्ला हुँ? और तू यहाँ बाहर आके क्यों सो गा भीतर बार बार उठकर आप दोनों को सोने नहीं दे रहा था ना मैं इसलिए यहाँ आके सो गो ताकि झरोके से सूर्य देव की किरणें सबसे पहले मुझ पे पड़े और मैं झट से उठ जाऊँ तो इसके लिए तुझे यहाँ आके अपने मैया बाबा से दूर सोने की आवश्यकता ना है लल्ला भोर होते ही मैं तुझे उठा दूंगी हुँ? चले अच्छा चल वैकुंठ सभा के दर्शन करा के हमें उसका भाग बना के बहुत अद्भुत अनुभव दियो है आपने आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्री नारायण भोर ना हुई लल्ला हो गई मैया आपने तो कही थी भोर होते मुझे उठा दोगे आप पर आप खेमे ना उठ रही उन्हें पूरी रात सोने कहां थी हुए अच्छा अब तो उठ जाओ शीघ्र तैयार कर दो मुझे सारी गांव मैया भी भूखे होगी प्रतीक्षा करी होगी मेरी बछड़े उछल कूद कर रहे होंगे मैया कान्हा तेरी मैया तुझे पलक झपकते तैयार कर देगी है ना और नहीं तो क्या जिगराता करो ना मैया आज से बाहर चला जाएगा जी पूरा दिन मुझसे दूर रहेगा कई सब जन मुझसे पहले तैयार होके ना आ जाए सब जन हाँ सारी गैया सारे बछड़े पंछी काका दाऊ सब अच्छा अच्छा ठीक है चल अब आप शीघ्र उठो मैया तब तक मैं जाके दांत तोल करता हूँ के पांव थोड़ी ना होते हैं कि चली जाएगी यही कहीं होगी ना काना देख यही रखी थी मैया पर अब बहुत ध्यान से देख लियो कहीं ना मिली हाँ तो ठीक है बंसी भैया से कह के बाहर से मंगवा दूंगी उसकी कोई आवश्यकता ना है यशोदा मेरे पास ढेर सारे दातुन जेले मेरी योजना बिगाड़ रहे हैं जी मैया शीघ्र स्नान करा दो पर जल तो अभी बहुत ठंडा है हुँ? बाहर से लकड़ी लाने पड़ेगी चूल्हा जलाना पड़ेगा इस समय तो बहुत समय लगेगा कोई समय ना लगेगा यह रही लकड़ियां आ जा काना मैं विलंब करना चाहती हूँ
ताकि कान्हा गौचारण के लिए ना जाए, बिना रोके ही उसे रोक पाऊं, ताकि तनिक और समय मिल जाए मुझे अपने लल्ला के साथ। पर जे है कि सारी योजनाएं चौपट कर रहे हैं मेरी। अब मेरा नया वाला पटका कहाँ चले गयो? कमर पर बांधा था मुझे। जे तेरी सारी वस्तुएं इधर उधर क्यों हो रही है आज? देख यहीं कहीं होगो। यशोदा तुम खड़ी क्यों हो? जाकर संदूक से नया निकाल दो। हाँ हाँ अभी निकालती हूँ। सुनो जी, चाबी कल से मिली नहीं रही, ना जाने कहाँ रख दी मैंने। मैया मुझे विलंब होगा तो ताऊ जी ताऊ को अकेले भेज देंगे गौचारण के लिए। हाँ हाँ ढूंढ रही हूँ चाबी, रुक देखूं। यहाँ भी ना है, कहीं बुहारते समय बाहर तो ना गिर गई। जे तो रही, जे क्या है? तुमने अभी अभी यहाँ देखो। हाँ तो हड़बड़ी में ना दिखा होगा। लल्ला ये लेकर जा और नया पाठक निकाल ले। जा यशोदा। तुम जानबूझकर विलंब कर रही हो ना? मैं तो बस इतना चाहती थी कि लल्ला के साथ थोड़ा समय और बिता लूं। यशोदा, मैं तुम्हारे मन की भावना, तुम्हारी ममता को अच्छे से समझता हूं, पर अब समय आ गया जब तुम्हारे भीतर की मैया को जय निर्णय लेना होगा कि तुम्हें अपने बालक का सहायक बनना है, उसका मार्गदर्शक बनना है, या उसकी प्रगति में बाधक। विचार वश करना। इस बार उस विष्णु अवतार के मार्ग में ऐसी बाधा उत्पन्न करूंगा मैं, ऐसा विघ्न खड़ा करूंगा उसके सामने कि इस बार उसकी होगी हार और मैं बनूंगा काल जय। किंतु ऐसा क्या करने वाले हैं आप? गायों और बछड़ों के प्रति कृष्ण के प्रेम का लाभ कैसे उठाएंगे आप? प्रतीक्षा दुर्जन प्रतीक्षा, सब अपने आप पता चल जाएगा। यही है जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी, यही है वत्सासुर। महाराज और दोनों महारानियों को वत्सासुर का प्रणाम। ऐसे क्या देख रहे हो? हटो। बस इसी परिवर्तन की आवश्यकता थी यशोदा। चलो। अपने कान्हा के प्रगति में बाधा ना बन सकती जमीन। पकड़। अब हो गो पूरा तैयार। ना गाना, अभी भी कछु शेष है। एक गोपालक सच्चा गोपालक तभी कहलाता है जब उसके हाथ में होती है जे हाकन छड़ी। ले लल्ला। तो बिल्कुल वैसी छड़ी है बाबा जैसा आपने दाऊ को दी थी। जे हाकन केवल छड़ी ना है काना, जे एक सच्चे गोपालक की पहचान होती है। इसे सदैव अपने साथ रखियो, ये पशुओं को पंक्ति में रखेगी और संकट से रखेगी तुझे दूर।
बहुत दूर। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी रूप में, किसी भी मूल्य पर उसके शव पर नृत्य करना है। मेरी स्मृति अब आई है आपको? अपने बड़े बड़े योद्धाओं के धाराशाही होने के बाद क्या लगा था कि वो वत्सासुर से अधिक शक्तिशाली हैं? नहीं वत्सासुर, नहीं। मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम्हारे सामर्थ्य के सामने उस नन्हे से विष्णु अवतार की शक्ति ही क्या है। बस इसी कारण मैंने तुम्हें आमंत्रित नहीं किया, परंतु अब तुम्हारे सामर्थ्य का सामना करने का उसका समय आ गया है। मैं चाहता हूं कि वो तुम्हारा सामना करे और मृत्यु के पास में बंद कर वापस विष्णु लोक चला जाए, लौट जाए विष्णु लोक, क्योंकि यहां कंस उसको जीवित नहीं रहने देगा। आज वो अपने प्रथम गौचारण के लिए जा रहा है और तुम वत्स बछड़े के रूप में उसके समीप जाओ। वत्सासुर, वत्स के रूप में भ्रमित करूंगा और इससे पहले कि उसे संभलने का अवसर भी मिले, उसके प्रथम गोचारण के अशुभ अवसर पर महाबली सांड के रूप में मरण का उपहार दूंगा मैं उसे। ये सब भी जा रहे? सारे बालक हाथ पकड़ के बैठे हैं नंदराज, कहना जाएगो तो ये सारे जाएंगे। हाँ, बहुत समझायो और मना भी कियो, फिर भी सुनने के लिए तैयार ही ना थे। तो अच्छा ही है ना काकी, एक से भले हम सारे के सारे, है ना बाबा? तू सही कह रहे हो काना, सब साथ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, किसी को किसी की चिंता भी ना रहेगी, यशोदा का चित्त भी शांत रहेगा, है ना? अरे कहाँ गई? लल्ला ले जो छतरी रख। छतरी किसके लिए मैया? प्रहर समाप्त होते ही सूर्य देवता आकाश पे चढ़ जाएंगे, देख आजकल कितनी धूप हो रही है, जो छतरी उससे बचाएगी ना। तो और लेनी पड़ेगी मैया, हम सब के लिए एक है और गैयाओं के लिए भी, उन्हें भी तो धूप लगेगी। मैं तेरी चिंता कर रही हूँ और तू मेरा उपहास उड़ा रहा है। ना भैया, मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि रहेगा तो सबके पास, ना तो कोई के पास नहीं। कान्हा तू समझ ना रहो है। आप ना समझ रही मैया, यदि मैं अकेले या छतरी लेकर जाऊंगा तो मेरे सखाओं और गैयाओं को क्या लगेगा कि मैं इनसे अलग हूँ, राजकुमार हूँ? ये तो मेरे और इन्हें संबंध में दूरी आ जाएगी ना भैया, और यदि हमारा संबंध ही अच्छा ना हुआ तो ना मैं पशुओं को संभाल पाऊंगा और ना ही अपनी सखाओं को साथ जोड़ के रख पाऊंगा। मेरी बात का विश्वास करो मैया, ये गौपालक सबकी सब प्रकार के संकट से रक्षा करेगा। आप सही कह रहे थे जी, जो तो पूरी तरह से तैयार हो गए अपना दायित्व निभाने के लिए। चल काना। रुक जा लल्ला, मैं अभी आती हूँ। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है लल्ला, अब जा अच्छे से गौचारण कर। मेरा बाल गोपाल, मेरा बाल गोपाल।
यशोमती मैया करे प्रार्थना, रहे सुरक्षित लाल। प्रथम बार दैत्व उठाकर चले बाल गोपाल। प्रभु के वचनों को सत्य होते हुए देख रही हूँ मैं। वृंदावन में उनकी लीलाओं के आरंभ होने का समय हो गया है। जब तक वत्सासुर इन लताओं में उलझा हुआ है, मुझे मैया और बाबा को घर भेजने के लिए शीघ्र ही कुछ करना होगा। भला पटके से जगैयाओं की रक्षा कैसे करेगो? अरे चना कहाँ गया जो इसमें रखा था? चपंसी क्या कर रहा है? अपनी धुन में जी क्या ध्यान रखेगा काना का? तुम कहना क्या चाहती हो यशोदा? जी कि हम क्यों ना काना के पीछे पीछे प्रतिदिन यहाँ आ जाया करें। विचार तो अच्छा है, जब भी काना निकला करेगा उसके पीछे पीछे आ जाया करेंगे। कहाँ गए हो काना? हाँ जी, अभी तो चाहिए था। सुनो 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 गोपालक बंटी सुनो। अब क्या करने लगो जी? मैं वापस घर जा रही हूँ। क्या हुआ काना? छोटी माँ की स्मृति आ रही है। वो और से देंगी तभी तो आएगी ना। ले जाओ, संभालो इसे। काना क्या हुआ? अच्छे से तो संभाल रहे हो, तुम भी संभालो ये सब। अच्छे से संभाल लो होता दाऊ, तो मेरी मैया बाबा मुझ पे दृष्टि रखने यहाँ ना आते। इन दोनों को मुझ पे विश्वास ना है तो किसी और को कैसे होगा? मुझे तो लगता है आप दोनों चाहते ही ना हो तो अपने आप से गजू कर पाऊं, गजू बन पाऊं। बाबा जितना बड़ा भी हो जाऊंगा मैं तो मैया का लाडला, भैया का लाडला कह के चढ़ाएंगे मुझे। मेरी कोई पहचान ही ना बन पाएगी, केवल यशोमती मैया का नंदाला बन के ला जाऊंगा मैं। उसके प्रथम गौचारण के अशुभ अवसर पर गोवंश के हाथ मरण का उपहार दूंगा मैं उसे। जो पुत्र नहीं कर पाई, तृणा व्रत नहीं कर पाया, वो मैं करूंगा। अपनी प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगने दूंगा मैं।
कहना ठीक कह रहे हो यशोदा, तुमसे भूल हो गई कि हम इसे अपने कार्य अपने आप से ना करने दे रहे, अपने दायित्व का भार ना उठाने दे रहे इसे। भूल करूंगा, त्रुटियां भी होंगी, पर तभी तो जैसा आज हूं उससे उत्तम बन पाऊंगा। हम घर घर लौट जाएंगे, पर तू अपना ध्यान रखियो, हाँ भोजन समय पे कर लियो, और तू जानतो है ना, तू ना खाएगो तो मैं भी ना खा पाऊंगी। और अब हम तुझे तंग ना करेंगे काना, तुझ पर विश्वास करेंगे। इन्हें भी साथ ले जाओ आप। ना, बंसी कहीं ना जा रहे है, कोई तो बताने के लिए होना चाहिए ना कि तू भोजन समय से कर रहे है कि ना, अपना दायित्व सही से निभा रहे है कि ना। ठीक है। ऐसे दुखी होके आधे अधूरे मन से मत जाओ मैया, अपने लल्ला को आशीर्वाद देके जाओ ना। मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है लल्ला। क्षमा करना मैया बाबा, आप प्यार रहते तो बहुत अच्छा लगता मुझे, पर ये संभव नहीं है, उस दुष्ट असुर का सामना करना है मुझे। तो किसी व्यक्ति को देखा था मैंने, तो फिर जे सांड। क्या हुआ, रुक क्यों गई? वहां क्या, कछु भी तो ना है ये सुधा। रानी भाभी, जे बात समझ में ना आई कि तुरंत में केवल आम के पत्तों और गेंदे के फूलों को ही क्यों लगाया जाता है? वो इसलिए बंसी, क्योंकि आम के पत्ते घर के भीतर की दूषित वायु को खींच कर बाहर निकाल देते हैं, और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को उसका हरा रंग घर के भीतर प्रवेश ना करने देता, और आंखों को शांति और सुखद अनुभव कराते हैं, वो बात अलग। इसी प्रकार से गेंदे के फूल भी किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को घर के भीतर प्रवेश ना करने देते, और उनकी गंध से कीड़े मकोड़े भी घर से दूर ही रहते। समझ में आई बात? जी समझ गए। हाँ तो समझ गए, तो जा ना, शीघ्र आम के पत्ते लेके आ जा।
जी यशोदा, अपने कान्हा के गौचारण से लौटने की प्रतीक्षा में तुम जितनी व्याकुल हो ना, उतना व्याकुल तो अयोध्या वासी भी ना थे भगवान श्री राम के वनवास से लौटने पर। हर मैया के लिए उसका लल्ला श्री राम ही होता है। अच्छा एक बात बताओ, तुम अपने श्री राम, मेरा अर्थ है कि तुम्हारे लल्ला की प्रतीक्षा ऐसे ही भूखे प्यासे खड़े रहकर इस द्वार पर करने वाली हो क्या? खोजन की स्मृति सता रही है आपको? अपने लल्ला की कोई चिंता ना है? सारे बालक वन में अकेले हैं, अब तो बंसी भी यहाँ आ गए हैं। नारायण ही रक्षा करे उन सबकी, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। इतने घने वन में कहीं कोई पशु या कोई राक्षस आ गो तो? अभी तो कह रही थी कि तुम्हारा लल्ला श्री राम है। अरे श्री राम तो 14 बरस का वनवास काट कर सुरक्षित अपने घर लौट आए थे, तुम्हारा लल्ला तो सवेरे गया है गौचरण को, गौधुली के पहले वापस आ जाए। चिंता मती करो यशोदा, अकेले रहकर सब संभालेगो, तभी तो हर परिस्थिति का सामना अच्छे से कर पाएगो। काना, अब ये बार तो पूरा फंस गया, अब इस स्थिति को कैसे संभालूं? चेक कैसे हो? ये वच तो हमारो ना है। ये वच तो है ही ना, ये तो एक बहुत भयानक राक्षस लग रहा है। राक्षस? सच्ची बता काना, ये तूने तो ना कियो है? जा काना, हम घर लौट जाएंगे। अब पहरा देने की मेरी बारी है, आप जाओ विश्राम करो। वन में आने से लेकर अब तक जो भी हुआ है सब तुम्हारी योजना का ही भाग है, और अब ये भी तुमने ही किया है ना काना? मुझे आप नहीं पहचानोगे तो और कौन पहचानेगा दाऊ? पर अब समझ ही गए हो तो बस देखते ही मत रहो, साइठा भी करो, स्मरण करो क्या है मेरा सत्य। स्मरण करो मैं कौन? बोल काना, सत्य बता, तू नहीं करो अजय इतना बड़ा वत्स, बल्कि वत्स भी नहीं, इतना बड़ा राक्षस और इतना छोटा सा काना। उज्जवल अपने बड़बोलेपन में कुछ भी बोलने लगते हो तुम, भला काना में इतनी शक्ति कहाँ जो इतने बड़े राक्षस की ये दशा कर पाए? तो फिर ये किसने करो जे? ये कार्य तो बस श्री नारायण ही कर सकते हैं, है ना काना? इतनी क्षमता तो उन्हीं में हो सकती है, पर सिखाओ इसके बारे में गांव में किसी को पता ना चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि हमारे माँ को पता चल गया कि यहाँ कुछ ऐसा हुआ है तो फिर कल से हम में से कोई भी यहाँ ना आ पाएगा, तो फिर गांव में ही खेलना छुपन छुपाई। उन सब का तो केवल वन आना बंद होगा, पर मेरी मैया तो मुझे घर से बाहर निकलने ही ना देगी। नाना, हम किसी को कछु ना बोलेंगे, है ना सखाओ? हाँ। क्या होगा सत्ता, तो हाँ क्यों ना कह रहा है? क्योंकि हम यदि वन में आते ही रहे और ऐसे भयानक राक्षस या पशु ने हम पर फिर से आक्रमण कर दिया तो? काना है ना, मेरे कहने का अर्थ है कि श्री नारायण है ना, जैसे उन्होंने आज हमारे प्राणों की रक्षा की, भविष्य में भी वही करेंगे। तो चलो, और सारे के सारे खाद होली का समय हो गया है, वापस चलना चाहिए। मना तो कर दिया है पर ये सब मानेंगे? यदि इनमें से किसी ने भी भैया के सामने मेरा भेद खोल दिया तो?
यशोदा आओ कछु खा ले। मैं अब और प्रतीक्षा ना कर सकती, मैं जा रही हूँ। भूखी जाओगी? हाँ। और जब कान्हा पूछेगो कि मैया आपने भोजन कियो कि ना, तो क्या कहोगी? जब उसे पता चलेगो कि उसकी प्यारी मैया उसके बिना भोजन ही ना करती, तो वो स्वयं भी भोजन ना करेगो, पूरे दिन भूखा रहेगो। यही चाहती हो तुम? कान्हा के लिए भोजन कर लो, फिर मैं स्वयं लेकर चलूंगा तुम्हें कान्हा के पास। आपने कान्हा का नाम लियो है, इसीलिए खा रही हूं। तो जय कृष्ण के नाम को। और जे वाला यशोदा, नीलमणि के नाम का। अरे नीलमणि के नाम का मान ना रखोगी तो उसे लगेगो कि ये कृष्ण कान्हा जैसे नए नाम आ जाने से उसका पुराना नाम फीका पड़गो। स्मरण है ना तुम्हें कि कान्हा के नामकरण से पहले नीलमणि नाम ने हमारा कितना साथ दियो? तो जे तो खाना पड़ेगा। बस। और जे अपने नटखट मुरलीधर कान्हा के लिए। लल्ला का नाम ले लेके आपने पूरा भोजन करा दियो। अब चलो ले चलो मुझे उसके पास, आपने कही थी ना। हाँ यशोदा, ये लो। चलो। पूरा दिन इसको स्मरण करती रही, भूखी प्यासी इसकी चिंता करती रही, और जे गोपियों के लिए फूल लायो है और अपनी मैया के लिए कछुन। मैया वाह, मेरे स्वागत से तो पूरा वृंदावन सजा दियो आपने। अधिक प्रसन्न होने की आवश्यकता ना है, वृंदावन तेरे लौटने की प्रसन्नता में ना, राम जी के अयोध्या लौटने की प्रसन्नता में सज रहो है। दीपावली है कल। वो स्वागत भी तो मेरा ही था मैया, दिवाली की प्रसन्नता ही तो मेरे लिए ही है, हर मैया के लिए उसका लल्ला जी रामी होता है ना मैया। जे किसने कहो तुझसे? नाना मैंने कछु ना बोला इसे। राम को सिद्धि से ना लगाओगी मैया? तुझे अच्छे से पहचानती हूँ मैं, हृदय से ना लगनो है। तुझे तो भूख लगी आई, इसीलिए सबके बाद तुझे मैया की स्मृति आती है ना? मैया की स्मृति तो सबसे पहले आती है। चल झूठा। ना मैया, मैं सच्ची बोल रहा हूँ। मैं भले ही वन में था पर मेरा मन तो आपके पास ही था, इसीलिए तो सबसे विशेष फूल लाई हूँ मैं आपके लिए। जे मेरे लिए लाया है तू? हाँ। यशोमति मैया के नंदलाला, यशोमति मैया के नंदलाला, यशोमति
लग जाने दे। तुझे पता है तुझे हृदय से लगाने के लिए कितना तड़पी हूँ मैं? मैं भी तो तड़प रहा था मैया, इसलिए तो आपके लिए कमल का फूल आया हूँ। भूख लगी आई होगी ना तुझे? हुँ? चल मुँह हाथ धुला देती हूँ। अच्छा चल। अच्छा अच्छा एक बात बता नन्ना, तूने कमल के फूल को विशेष क्यों कहा? क्योंकि कमल कीचड़ में उगता है, फिर भी अपने पे कीचड़ ना लगने दे दो, अपनी मर्यादा को भंग ना आने दे दो। ये देखो मैया, जल भी इस पे ना ठहर पातो, उसे तो यही सिद्ध होता है ना कि संसार में लिपना तो अनाथ बना रहता है। मर्यादा अनासक, कहाँ से आयो इतना सारा ज्ञान एक ही दिन में? हुँ? और जे कमल का फूल मुझे देकर क्या जताना चाहते है? इसके जैसे मैं भी अनासक बन जाऊं? मुझे में हानि ना है मैया, कौन जाने भविष्य में आवश्यकता पड़ जाए। भविष्य में आवश्यकता? जो मुंह में आए बोलते है, चुप कर। हाँ बड़ी बड़ी बातें बाद में करना, पहले तो मुझे जे बता आज मन में क्या क्या हुआ। थकावट असुर का भेद छिपा नहीं पाएंगे, कोई ना कोई तो उगल ही गएगा, और यदि उज्जवल ने बताया तब तो बड़ा चरा के बोलेगा। इससे तो अच्छा है मैं ही बता दूं। बताए मैया, हम सब गैयाओं की रक्षा वैसे ही कर रहे थे, सृष्टि की रक्षा अष्टिकपाल करती है। अच्छा हाँ, पर तभी विचित्र घटना हुई। एक वक्त अचानक ही बहुत हिंसक हो गया, पर भगवान श्री नारायण ने सब संभाल लिया। ऐसा उठा के पटको उसे, एक ही क्षण में सारी समस्या समाप्त हो गई। संगत का असर हो तो है जो सुना था, आज देख भी लियो लल्ला, तू भी उज्जवल के जैसे बड़बोला होता जा रहा है। चल। मैं सच्ची कह रहा हूँ मैया। हम सभी गुप्तचरों ने अपनी आंखों से देखा है महाराज, एक ही बार में वत्सासुर के प्राण चले गए। ये वत्सासुर का अंत नहीं, एक महायुद्ध का आरंभ है। मेरे और उस विष्णु अवतार के मध्य महायुद्ध। फिर जैसे उस वक्त को हिंसा करते देखो, नारायण ने ठान लियो गोपालक को कोई हानि न पहुंचाने दूंगो। फिर उन्होंने उसे चुनौती दी। अब बस कर लल्ला, जब से आयो है ना तब से कई बार सुना चुको है। मैं रंगोली समाप्त कर लूं, फिर लक्ष्मी जी की पगचिन बनाने में मेरी सहायता करियो। मेरे पगचिन्ह बनाने में आप सहायता करेंगे प्रभु? मैया ने आज्ञा दी है देवी, पालन तो करना होगा। अभी पक्षी क्यों बना रहे हो मैया? लक्ष्मी जी तो अभी आई ना है। दीपावली के दिन वो आए, इसीलिए तो उनके स्वागत के लिए जो पक्षी बनाया जाता है नन्ना। पर दिवाली के दिन तो राम जी आए थे, तो फिर हम लक्ष्मी जी के पक्षी क्यों मनाते हैं मैया? तो राम जी के साथ वनवास से कौन लौटा था? लक्ष्मण जी और सीता जी। और सीता जी कौन है? वही तो लक्ष्मी जी है नन्ना।
जब राम जी अयोध्या लौटे तो वे अपने साथ श्री अर्थात सुख समृद्धि और संपन्नता लेकर आए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।